अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। माय नेम इज आशा सिद्दीका एंड वी आर डूइंग टर्मिनोलॉजीज ऑफ DSM-5। कैटालेप्सी एक मेडिकल कंडीशन है ट्रांस की या सीजर की, जिसमें एक इंसान या शख्स जो सा होता है वो अपनी सेंसेशन और अपनी कॉन्शियसनेस को लूज़ कर देता है। ठीक है, मतलब वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से फिर वो इंसान एक रिजिड पोस्चर में रह जाता है। ठीक है, उसका पोस्चर बिल्कुल रिजिड हो जाता है, उसमें कॉन्शियसनेस भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो रिजिड होगा, रिजिडली खड़ा हुआ होगा। ठीक है, वो कोई भी पोस्चर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो वो है अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी इट्स मीन कि वो रिजिडली खड़ा हुआ है और गिर नहीं रहा, हालांकि उस पर कॉन्शियसनेस वो लूज़ कर चुका है, सेंसेशन जो सी है वो भी लूज़ कर चुका है, सेंसेशन नहीं है, तो वो इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि सेंसेस है ना, 5 सेंसेस से हम की मदद से हम आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो नहीं है, जिसकी वजह से वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, सेंसेशंस भी नहीं है, कॉन्शियसनेस भी नहीं है, और वो स्टिल खड़े हुए पोस्चर में फिक्स्ड है, रिजिड है। ठीक है, रिजिड बॉडी पोस्चर है ड्यू टू द लॉज ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। और ये कंडीशन है सीजर की, सीजर एंड ट्रांस की एक मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया हो, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक और चीज़, DSM में इसका क्या काम है? DSM में ये कैटाटोनिया की टाइप्स में आता है। ठीक है, कैटाटोनिया जो सा होता है वो सेकंड है, मेरा ख्याल है कि वो स्किज़ोफ्रेनिया के बाद आता है, या स्किज़ोफ्रेनिया के बाद एक चैप्टर है कैटाटोनिया का, वो आता है, फिर उसके बाद बाइपोलर आता है, तो उधर से आप कंसर्न कर सकते हैं, कैटाटोनिया अच्छे से सारा पढ़ सकते हैं। अब कोई भी सवाल रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा, सब्सक्राइब मस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अल्लाह हाफिज़।